हाय गाइस, मैं हूँ वैष्णव जैन, को फाउंडर ऑफ वाइट लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डायबिटीज। अब डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो यूनिक पोटेंशियल रखता है आपके बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने का। कुछ ऑर्गन्स जैसे आपके आईज, किडनी और नर्व्स, इनको सप्लाई मिलता है स्मॉल ब्लड वेसल से। जब ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे विजुअल प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज या नर्व डैमेज। ये टिपिकली हम लोग देखते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिस पेशेंट्स में, और कलेक्टिवली इन सारे डिजीजेस को हम लोग माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेस करके बोलते हैं। अब जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स हो गए, हमारा हार्ट, ब्रेन और लेग्स, ये सारे चीज़ें सप्लाई होती है हम लोगों के लार्ज ब्लड वेसल्स से। जब हमारे लार्ज ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं तो इनका नैरोइंग होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से एक और कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लैक। जब ये प्लैक वापस ब्रेक डाउन होता है, इसके वजह से इन्फ्लेमेशन और ब्लड क्लॉट सब कुछ ट्रिगर होते हैं, और यही मेन कॉज रहता है या चांसेस बढ़ा देता है स्ट्रोक या कोई भी हार्ट डिजीजेस के। इनको हम लोग कलेक्टिवली मैक्रोवैस्कुलर डिजीजेस करके बोलते हैं। अब सिर्फ वैस्कुलर डिजीजेस नहीं होते हैं जो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस जैसे स्किन कंडीशंस, इन्फेक्शंस, फैटी लिवर डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, अल्जाइमर्स एंड इवन कैंसर, ये सारे चीज़ें भी हम लोग के डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीन मेन कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है। इसमें सबसे पहला आता है रेटिनोपैथी। अब ये है क्या? रेटिनोपैथी वन ऑफ द फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। इसमें बेसिकली आपका रेटिना जो आपके आई में प्रेजेंट रहता है वो डैमेज हो जाता है। रेटिना आपका लाइट सेंसिटिव नर्व लेयर है जो आपके आँख के पीछे प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली आपके ब्रेन को पिक्चर सेंड करता है जिसके वजह से आपको विजुअल एड या देखने में हेल्प होती है। अब डायबिटीज़ बेसिकली आपके रेटिना के ब्लड वेसल्स को बहुत ज़्यादा वीकन कर देता है, जिसके वजह से फ्लूइड्स लाइक ब्लड या फिर और फ्लूइड्स हम लोग के रेटिना में से लीक करना शुरू हो जाते हैं। अब सीवियर केसेस में एक्चुअली जो हम लोग का स्कार टिश्यू रहता है वो हमारे रेटिना के पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, मतलब उसके ओरिजिनल पोजीशन से उसको मूव कर देता है, विच कैन लीड टू इवन ब्लाइंडनेस। अब टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में रेटिनोपैथी पहले 20 साल में ही डेवलप हो जाना शुरू हो जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ वालों में पहले 7 साल में। लेकिन ये मुश्किल होता है पाने के लिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ 2 वाले पेशेंट्स होते हैं वो लोग यही डायग्नोज नहीं कर पाते कि वो लोग टाइप 2 डायबिटिक है कि नहीं। लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग के रेटिनोपैथी में प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये हमारे लीकी न्यू ब्लड वेसल्स को सील कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रोपैथी में बेसिकली आपका किडनी का डैमेज होता है। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ दिखाई देती है, और एस्पेशली इन टाइप 2 डायबिटिस पेशेंट्स में। जब आपका किडनी डैमेज हो जाता है तो किडनी का मेन फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। दैट्स बेसिकली सारे टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करना आपके ब्लड में से। जब किडनी इस चीज़ में फेल कर जाती है तो सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाना शुरू हो जाते हैं, और जब ये होता है तब आपकी भूख कम हो जाती है, आप वेट लॉस फेस करते हो, और बहुत ज़्यादा पर्सिस्टेंट नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सेंसेशंस आने शुरू हो जाते हैं। और अगर इस कंडीशन को हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया जल्द तो इट कैन इवन लीड टू कोमा और डेथ। अब कुछ पेशेंट्स जिनका किडनी का फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत रहती है। डायलिसिस बेसिकली जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स रहता है ब्लड में उसको क्लियर आउट करता है। अब इस प्रोसीजर में बेसिकली पेशेंट्स के ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। जो इम्प्योर ब्लड रहता है उसको डायलिसिस मशीन के थ्रू पास करते हैं, जिसमें से सारे इम्प्योरिटीज़ क्लियर आउट होती है, और फिर क्लीन ब्लड को वापस बॉडी में रिटर्न किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को ज़िंदा रहने के लिए डायलिसिस, जो एक 4 घंटे का प्रोसीजर है, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार तो करना पड़ता है, पता नहीं कितना ड्यूरेशन के लिए, ये इनडेफिनिट रहता है। और अगर उनका डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये दुख की बात है कि अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ ऑल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ फाइंड होता है हर साल। अब ये दिक्कत ये होती है क्योंकि वो लोग खुद ये नहीं जान सकते कि वो लोग टाइप 2 डायबिटिक है कि नहीं, वो डायग्नोसिस में ही लेट हो जाते हैं, सो किडनी का डैमेज आइडेंटिफाई करने में और लेट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे कंडीशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथी।
अब न्यूरोपैथी बेसिकली आपका डायबिटिक नर्व डैमेज है। अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 डायबिटिक पेशेंट्स न्यूरोपैथी से सफ़र करते हैं। वंस अगेन, जितने टाइम से और जितना सीवियर आपका डायबिटीज़ है, उतना ही आपका ज़्यादा रिस्क है न्यूरोपैथी डेवलप करने का। अब बहुत टाइप के डायबिटिक नर्व डैमेज रहते हैं। अगर कॉमन न्यूरोपैथी के बारे में बोले तो वो सबसे पहले सपोज स्टार्ट होता है हम लोगों के पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करते हैं जो हमारे पैर में रहते हैं। फिर ये स्लोली प्रोग्रेस करता है आपके आर्म्स और हैंड्स में। अब काफ़ी पेशेंट्स में इन्होंने ये नोटिस किया था कि पेन के जगह वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे कंप्लीट नमनेस, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। जब केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया तब जाके पता चला कि अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी वहाँ पे सिम्टम्स टच के, वाइब्रेशन के, टेम्परेचर के, इवन रिफ्लेक्सेस सब बहुत कम हो गए थे। अब टाइम के साथ ये डैमेज प्रोग्रेसिव हो जाता है और समटाइम्स डिफॉर्मेटिव हो जाता है। अगर आपको मेरे को एक एग्जाम्पल देना है तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल होगा, सिग्निफिकेंट नर्व डैमेज अगर आपके पैर में हो रहा है तो इसके वजह से आपका जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चारकोट फुट। इसमें पेशेंट थोड़े टाइम के बाद चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है और सीवियर केसेस में पैर को एम्प्यूटेट कर देना पड़ता है। एक और नर्व डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक एमियोट्रोफी। ये हम लोगों के लार्ज मसल ग्रुप्स में पाया जाता है। यूजुअली आप जब इसके साथ सफ़र करते हो तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और आप सीवियर पेन एक्सपीरियंस करते हो वहाँ पे। एस्पेशली डायबिटिक एमियोट्रोफी थाइस के रीजन में होता है। अब दुख की बात यह है कि ऐसा कोई करंट ट्रीटमेंट नहीं है जो डायबिटिक नर्व डैमेज को रिवर्स कर दें। ऑफकोर्स ड्रग्स हैं जो सिम्टम्स के साथ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये उनके नेचुरल हिस्ट्री को चेंज नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली इट नीड्स टू बी प्रिवेंटेड। सो या गाइस, ये थे हमारे 3 कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के साथ। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए लेके आएंगे और वीडियोस अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, और सिखाएंगे हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट लिमिटेशंस।